अमीर जवान शासक। एक दिन एक अमीर जवान अगवल यीशु में आ के पूछी, हे अच्छा गुरु जी, हमेशा को जीवन प्राण को मीते के कन पड़ोल। यीशु लोए बेटी बोली, तुम मीते अच्छ के लिए बोलनी छे, बस एक ही अच्छ और वो पिता परमेश्वर छ। पर जो तू हमेशा को जीवन प्राण चाहेंदी तो पिता परमेश्वर की व्यवस्था को पालन कर। वेल पूछी, मीते कौ कौ आज्ञाओं को पालन कन चाणु छ? फिर यीशु जवाब दी, हत्या निकन, व्यभिचार निकन, चोरी निकन, झूठ नहीं बोलन, अपड़ भय बुआ को आदर कन, अपड़ा पड़ोसी ते अपजन प्रेम कन। पर वे जवान आदिमल बोली, मैं अपड़ा बचपन से ही यूं सभी आज्ञाओं को पालन कर दिया हूँ, मी ते हमेशा को जीवन में राणु को अब भी क्या करने की जरूरत छ? यीशु वे जने देखी और वे बेटी प्रेम कर। यीशु जवाब दीन, जो तू सिद्ध हो चाणी चैत जय के अपड़ो सब कुछ बेची के वे धन ते गरीब उते दे दे और तुए ते स्वर्ग में धन मिलल, तब है के मेरे पिछनी वे जा। जो ये शुल बोली तो वे जवान आदिमल सुनी तो वो बहुत उदास हो गए, किले कि वो बहुत अमीर छो और वो अपनी धन संपत्ति ते देनी चाह छो। वो मुड़ी के यीशु का समीन बेटी चल गए। तब यीशु लपड़ा चेलो बेटी बोली, पिता परमेश्वर का राज्य में अमीर लोगों को दाखिल होन कठिन छ। हाँ, एक अमीर आदिम का पिता परमेश्वर का राज्य में दाखिल होने की तुलना में कै ऊँट को सुई का छेद में बैठे निकल जान आसान छ। जब चेलों ल यीशु की यू छुई सुनिन तो वो हैरान हुए गिन। ऊल बोली, जो यू इंच तो पिता परमेश्वर कै थे बचाल। यीशु चेलों थे देखी के बोली, लोग अपड़ा आप ते नहीं बचा सकदिन, पर पिता परमेश्वर को कुछ भी कन मुश्किल नहीं छ। पत्रसल यीशु में बोली, हम जो तेरे चेला छा अपड़ो सभी को छेड़ के तेरे पिछनी वे गया तो हमको क्या प्रतिफल होल? यीशु जवाब दे, हर एक आदिम जेल मेरा कारण अपड़ो घर भै बहन बुबा वे बच्चा या संपत्ति छोड़ी हो वे बेटी सौ गुना ज्यादा पाल और हमेशा को जीवन ते भी पालो। पर बहुत सच न जो पहले छिन वो पिछला होला और बहुत सच न जो पिछला छिन वो पहला होला। मत्ती अध्याय 19 16 से 30, मरकुस 10 17 से 31, लूका 18 18 से 30 बटी एक बाइबल कथा।